हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटी और मध्य प्रदेश की एक और दोस्तों नई अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। आज की जो अपडेट दोस्तों वो रहने वाली है आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी के संबंध में। दोस्तों यहां पर अपन बात करने वाले हैं कट ऑफ के संबंध में, क्योंकि मैंने इससे पहले दोस्तों वीडियो बना दिया था, मतलब कोपा ट्रेड का क्या कट ऑफ आपका संभावित रहने वाला है, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर का क्या कट ऑफ रहने वाला है, वो मैंने बता दिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों अपन बात करने वाले हैं आज के संबंध में कि भाई फटक ट्रेड का क्या रहने वाला है, मोटर मैकेनिक क्या रहेगा, ठीक है, और इन ट्रेडों का क्या पर रहने वाला है। दूसरा बता दूं दोस्तों आपको, मैं स्पष्ट बता दूं कि ये जो कट ऑफ रहेगा वो संभावित कट ऑफ रहेगा, मतलब आपका जो फाइनली कट ऑफ नहीं है, लेकिन हाँ इतना मैं मान सकता हूँ दोस्तों कि आपका इसके 2 या 3 नंबर आसपास ऊपर नीचे हो सकते हैं कट ऑफ के संबंध में, तो आपका ये यहाँ पर रहने वाला है। तो यदि आप लोग किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ हो, जो भी आपका इसमें मेंशन है ट्रेड, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हाँ इतने के आसपास आपका सिलेक्शन की चांस हो सकते हैं, ठीक है ना, 1-2 नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जिन आवेदकों को ट्रेड वालों का जानना है कि हमारा जैसे मालूम से ट्रेड है या और भी ट्रेड है, मान लो उनका एग्जाम हुआ था यहाँ पे, तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, सर हमारा भी आप कट ऑफ बताइए, तो मैं उनको कट ऑफ यहाँ पे अपन बता देंगे संभावित कट ऑफ वो क्या रहने वाला है। तो चलिए अपन देख लेते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं फिटर और मोटर मैकेनिक संबंध में क्या रहने वाला है। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक ही निवेदन रहता है, चैनल पे आप लोग नए चैनल पर सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की इस तरह की इंफॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। तो चलिए चलते हैं देख लेते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये बताने वाले हैं फिटर ट्रेड का। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि फिटर ट्रेड में टोटल पोस्टिंग होती है 70+, ठीक है, और यहाँ पर जो फॉर्म फिल हुए थे 13,500 के आसपास फिल हुए थे टोटल फॉर्म, और एक्सपेक्टेड जो स्टूडेंट बैठे थे एग्जाम में वो भी 13,500 के आसपास बैठे थे। यहाँ पर अपन मान सकते हैं भाई 100-200 लोग इधर उधर हो जाते हैं। आपका जो एग्जाम हुआ था दोस्तों फिटर ट्रेड वालों का, तो 4 अक्टूबर की 1st और 2nd शिफ्ट 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था इनका, ठीक है ना, जिसमें से जो पहली शिफ्ट रही थी वो मॉडरेट टू इजी रही थी, ऐसा आवेदकों ने बताया उनका कहना है। दूसरी जो सेकंड शिफ्ट थी वो भी मॉडरेट यहाँ पर रही है, ये भी आवेदक को दोस्तों यहाँ पर कहना है। और यहाँ पे हम मान के चलते हैं जो मैंने ग्राउंड जीरो पर इंफॉर्मेशन ली थी आवेदकों से, तो उनके द्वारा मुझे बताया गया था कि जो आईटी वाले आवेदक रहेंगे उनके 50 से 60 के बीच में नंबर है, इससे ऊपर नहीं जा पाए वो लोग, ठीक है ना। और जो डिग्री वाले हैं या डिप्लोमा वाले रहेंगे उनके 60 और 68 के आसपास रहे, उन्होंने बहुत मेहनत की थी, ठीक है यहाँ पर। लेकिन आईटीआई और डिग्री डिप्लोमा दोनों में से हम बता दें जो स्पेशल जिनका सिलेक्शन होना है उनके 60 और 80 के आसपास रहे, मतलब अधिकतम जो 90% रहा रेट मतलब इसका, तो वो ऐसे 60 आपका मान सकते हैं 75 के आसपास अधिकतर 90% लोगों के नंबर आए हुए, ठीक है यहाँ पर मोटर आपका जो फिटर ट्रेड में, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए आपको पता है कि जो टोटल पोस्ट बता दी मैंने, जो पहली टेबल में 61 पोस्ट हैं और दूसरी में 9 पोस्ट हैं, इसी में से दोस्तों आप लोगों के 13 जो पद रहेंगे वो चले जाएंगे दिव्यांग आवेदकों के लिए यहाँ पर, ठीक है। और जो इनके जो नोटिफिकेशन इसमें लिखा हुआ रूल बुक में भाई 50% अंक जो संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे, तो अभी तक मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो भी नियम निर्देश के तहत जो आपकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी वो ज्यादा मालूम चलेगा कि हाँ किस आधार पर उन्होंने बनाई हुई विभाग में, ठीक है ना, क्या पॉलिसी उनकी। तो 35 के आसपास बचते हैं इसके हिसाब से यदि हम देखें तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो कट ऑफ क्या जाने वाला है, जनरल का रहेगा 74 से 80 के बीच में संभावित कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का 72 से 76 के बीच में, ओबीसी का 69 से 75 के बीच में रहने वाला है, एससी का 67 से 72 के बीच में, और एसटी का आपका 65 से 70 के बीच में रहने वाला है। इसी में रहेंगे बेगा सारी आबादी, ठीक है, ये भी आप लोग समझ लो। तो ये तो आपका रहने वाला है फिटर ट्रेड का, मतलब इसके आसपास कम ज्यादा हो सकता है भाई, 1-2 नंबर कम 1-2 नंबर ज्यादा है, ठीक है, जो कि आवेदक से नंबर प्राप्त उस आधार मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे बताया हुआ है। अब आपकी क्वेश्चन है कि सर आंसर शीट, तो आंसर शीट भी बहुत जल्दी यहाँ पे जारी की जाएगी, इसके पश्चात आपको जो रिजल्ट है वो दोस्तों यहाँ पे जारी किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे की, देखिए यहाँ पे आओगे दूसरा दोस्तों ये रहेगा मोटर मैकेनिकल व्हीकल MMB का। तो इसमें जो टोटल पोस्ट थी वो 50 थी टोटल, ठीक है, और टोटल जो फॉर्म फिल हुए 5,875 के आसपास हुए थे फॉर्म फिल, जिसमें से एक्सपेक्टेड जो आवेदक हैं बैठे थे एग्जाम में तो 5,800 के आसपास ही बैठे हैं, ठीक है ना। अब इनका जो एग्जाम हुआ था दोस्तों 3 अक्टूबर को 2nd शिफ्ट में हुआ था एग्जाम, और जो आवेदक का कहना है कि सर जो पेपर आया था वो मॉडरेट पेपर रहा था,
ठीक है ना। और यहाँ पर जिन आवेदक जो आईटी वाले आवेदक मतलब जिन्होंने आईटी किया था ओनली मोटर मैकेनिक से, उनके 40 से 50 के बीच नंबर रहे उन आवेदकों के, और जिन जिन आवेदक पर डिग्री डिप्लोमा था उनके पास 60 से 70 के आसपास आए हैं, ठीक है ना। और इन दोनों में जो स्पेशल आवेदक जिनका सिलेक्शन होना है उनका 60 और 70 के आसपास पूरा यहाँ पर रहेगा सिलेक्शन होने की प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पर सभी कैटेगरी वाइज, ठीक है। और इसमें अभी देखिए जो पद थे, मान लो आपके 50 पद में दोस्तों 9 पद चले जाएंगे किसके लिए, दिव्यांग आवेदकों के लिए, मतलब 41 पद यहाँ पर बचती हैं टोटल, 41 पदों में आपका पूरा यहाँ पर रहेगा कॉम्पिटिशन सभी आवेदकों को, ठीक है। यदि हम रिजर्वेशन मान के चलते हैं जो अभी नियम पुस्तिका है तो फिर 25 के हिसाब से बचते हैं, अब जो भी पॉलिसी होगी विभाग की उस आधार पर देखेंगे, अभी कोई संभावित नहीं कह सकते कन्फर्म, ठीक है। अब देखिए इनका क्या रहेगा दोस्तों कि जो जनरल वाले आवेदक हैं 70 से 76 के बीच के आसपास रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस का 67 से 70 के बीच में, ओबीसी का 69 से 72 के बीच में, एससी का 66 से 69 के बीच में, एसटी का 65 से 68 के बीच में आपका रहने वाला है, मतलब 1-2-3 नंबर दोस्तों ऊपर नीचे हो सकता है, हो सकता है नीचे भी जाए ऊपर भी चला जाए, लेकिन जो मुझे आवेदक से नंबर प्राप्त उस आधार पर दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि हाँ ये आपका रहने की संभावना, आपको थोड़ा नॉलेज आएगा, हाँ इसके आसपास आपका रह सकता है, ठीक है, ताकि आपको जानकारी हो सके। और एग्जाम जो सीट आंसर सीट दोस्तों वो भी बहुत जल्दी आएगी इस मंथ के लास्ट तक मान सकता हूँ मैं, और आपका रिजल्ट वो फाइनल यहाँ पे जारी किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मैन आपकी क्या रहने वाली है। देखिए मैन आपका कहना है कि सर जो आपका सामाजिक अध्ययन का हुआ था, और नेक्स्ट आपका दोस्तों कौन सा मैं देख लेता हूँ, दूसरा अपन बात कर लेते हैं हिंदी स्टेनो का। तो देखिए दोस्तों सामाजिक अध्ययन वाले के मेरे पास दो या तीन आवेदकों कमेंट थे कि सर हमारा इतने नंबर आए, लेकिन एक्चुअली क्या है 2-3 आवेदकों ने आवेदकों के नंबरों के अपन आधार पर कट ऑफ में आप नहीं निकाल सकते कि भाई क्या रहेगा मैक्सिमम, हाँ लेकिन मुझे 50+ के आसपास कमेंट होते या मैं पूछ या मुझे इन्फॉर्मेशन होती तो अपन यहाँ पर जारी कर सकते थे। तो जो भी आवेदक देख रहे हैं सामाजिक अध्ययन वाले, ठीक है ना, वो उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग जरा यदि आपके नंबर जो भी आए हुए हैं जिस भी कैटेगरी में आप तो मुझे सेंड कर सकते हैं वीडियो नीचे। और जो स्टैंड हिंदी वाले हैं उन आवेदकों से मेरा भी कहना है कि आप लोगों के मेरे पास कमेंट नहीं थे, 2 या 4 लोगों कमेंट थे, यदि आपके भी 50+ हो जाते हैं कमेंट मेरे पास संबंध में तो अपन उनको बता देंगे हाँ इस आधार पर आपका ये रहने वाला, चूंकि मेरी संबंध कोई भी किसी आवेदक से बात नहीं हुई दोनों ट्रेडों के, ताकि मैं कट ऑफ यहाँ पे अपन निकाल सकें, यहाँ संभावित कट ऑफ बता सकते हैं हाँ ये कट ऑफ रहने वाला, ठीक है ना। तो आप लोग यदि देख रहे हैं तो आप लोग अधिक से शेयर करें उन आवेदक बोलिए जिनका एग्जाम यहाँ पे हुआ था हिंदी स्टेनो में या सामाजिक अध्ययनों में, तो अपन थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन बता देंगे उन लोगों के लिए, तो उन लगेगा हाँ इसके आसपास आपका रहने वाला है। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन थी, और जो भी मुझे प्राप्त हुआ है क्योंकि जो कट ऑफ दोस्तों मैंने आवेदकों के नंबरों के आधार पर यहाँ पे बताया हुआ है, ना कि मैंने कोई एग्जिट पोल में से जो लिया हुआ जो मेरे चैनल में लिया था उससे मैंने नहीं लिया है, क्योंकि बहुत से आवेदकों ने मतलब किसी के 50 नंबर आ तो 80 पे क्लिक किया हुआ है, तो इस तरह इसलिए नहीं बताया, कमेंट थे मेरे पास बहुत सारे, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन थी, चलिए अपन फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें। दोस्तों एक बार मैं इससे बता दूं ये जो कमेंट जो अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोग का टॉपिक ये बताया मैंने आप लोगों के लिए, ये दोस्तों संभावित कट ऑफ आपका रहने वाला है, ठीक है, आप लोग समझ इस पर समझ लो। ओके दोस्तों थैंक्स।